हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं प्रियंका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। दोस्तों, बढ़ते हुए बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होते हैं, नहीं? आई एम श्योर आप में से जो भी माएँ हैं वो मुझसे ज़रूर कनेक्ट करेंगी। और अगर आप ये स्नैक्स अपने घर में बहुत ही हेल्दी इन्ग्रीडियंट से बनाकर तैयार करें तो आपके माँ वाले दिल को कितनी संतुष्टि मिलेगी, है ना? तो आइए आज मेरे साथ बनाइए एक जल्दी से आसानी से तैयार होने वाला बहुत ही टेस्टी स्नैक जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, रागी डबल चॉकलेट कुकीज़। तो इनको बनाने के लिए आपको लेना है एक बड़े बोल में 100 ग्राम घी, ये मैंने काऊ घी लिया है, आप इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं। और ये बनेगा रागी के आटे से। आप सभी जानते हैं कि रागी में बहुत कैल्शियम होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने लिया है आधा कप रागी का आटा और आधा कप गेहूं का आटा। और चीनी इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रॉ शुगर, ये बिना प्रोसेस किए बनती है, यानी कि वाइट शुगर से बहुत हेल्दी है। और मैं अमेज़न से ये पैरिस की अमृत ब्रांड शुगर मंगा लेती हूँ। इस पैकेट पे लिखा होता है नेचुरल ब्राउन शुगर, तो ये अनप्रोसेस्ड शुगर है और आपके लिए हेल्दी है। वाइट शुगर आप सभी जानते हैं कितना प्रोसेस होने के बाद बनती है, तो उसका इस्तेमाल जितना हो सके कम से कम कीजिए अपने खाने में, और अपने बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए। तो अब आपको इस घी में ये शुगर अच्छे से मिलानी है। ये शुगर ग्रैन्यूलेटेड नहीं है तो इसे मिलाना आसान होगा, आपको पाउडर भी नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, हर मीठी चीज़ का स्वाद निखारने के लिए एक चुटकी नमक, थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट। और अब इन सबको अच्छे से मिला दीजिए। थोड़े बहुत जो लंप फॉर्म हो रखे हैं शुगर के, उनको मैं इसी से विस्क से ही ब्रेक कर दूंगी। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करें, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए कैसे रंग बदल गया है, थोड़ा सफ़ेद होता जा रहा है। और अब इसी बोल में ऊपर एक छलनी लगाकर दोनों आटे को मैं डाल दूंगी, आधा कप रागी का आटा है, आधा कप गेहूं का आटा है। और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, क्योंकि ये डबल चॉकलेट कुकीज़ हैं तो इसमें कोको पाउडर भी जाएगा और चॉकलेट चिप्स भी जाएंगे। और आपके बच्चे मज़े मज़े में रागी खा जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मम्मी ने क्या किया है। बस इसको छान दीजिए और अब अपने मक्खन और चीनी या घी और चीनी के मिक्सचर में ये आटा और कोको पाउडर अच्छे से मिला दीजिए। इसे अच्छे से मिलाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें डालिए 2 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट के शौक में बच्चे रागी खाने वाले हैं और इसमें होता है ढेर सारा कैल्शियम और आयरन, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। और ज़रूर आप ये बनाइए, बनाना भी आसान है और बच्चों को खिलाना भी, क्योंकि चॉकलेट दिखता है। तो चॉकलेट चिप्स को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप ये याद रखिए कि किसी भी कुकी के डो को आपको नीड नहीं करना है, आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आटे की तरह इसमें इलास्टिसिटी डेवलप हो, ग्लूटेन फॉर्म हो। बस आपको इकट्ठा करना है सारे इंग्रेडिएंट्स को और सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर देना है। अब इस डो में से छोटे छोटे बॉल्स निकाल कर उन्हें क्रैक फ्री बनाकर आपको एक बेकिंग ट्रे पे रखना है। बेकिंग ट्रे पे मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ हल्का सा ग्रीस भी कर सकते हैं अपनी बेकिंग ट्रे को, पर पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल अच्छा रहता है। बस इस तरह आपको सारे डो से कुकीज फॉर्म करके अपनी बेकिंग ट्रे पर लगाते जाना है।
और अब इसमें ऊपर से बच्चों को और लुभाने के लिए थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स, आप चाहें तो लगाएं ये कुकीज़ बिना ऊपर चॉकलेट चिप्स लगाए भी बहुत यमी लगने वाली हैं, आपके बच्चे इन्हें बिल्कुल मना नहीं कर पाएंगे और बच्चे ही क्या, आप भी ज़रूर इन्हें मना नहीं कर पाएंगे आई एम श्योर। तो अब ये जाएंगी अवन में बेक होने के लिए। अवन को प्री हीट करें 160 डिग्री पे। कम टेम्परेचर पे जब कुकीज़ बेक होती हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं, याद रखिए। तो जो स्टैंडर्ड 180 डिग्रीज है उसे भूल जाइए और अब से अपनी कुकीज़ बनाइए 160 डिग्री पे। ये 12 से 15 मिनट में बेक होकर आ गई हैं और अब देखिए ये ऐसी लगती हैं। इन्हें थोड़ा सा आपको इसी तरह ट्रे में ठंडा होने देना है और थोड़ा सा 5 मिनट तक ट्रे में ठंडे होने के बाद आप इन्हें कूलिंग रैक पर ट्रांसफ़र कीजिए, तब ये उठा पाएंगे आप, वरना ये गर्म होंगी तो बहुत सॉफ्ट लगेंगी और टूटने लग जाएंगी। 5-7 मिनट के बाद आप इन्हें रैक पर शिफ्ट करें। और रैक पे भी 15-20 मिनट ठंडे होने के बाद ये खाने के लिए तैयार है। और ये मैं आपको दिखाने के लिए ट्रे पे लगा रही हूँ। देखिए कितनी जल्दी आसानी से आपकी यमी चॉकलेट कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं, जिसमें आपने छुपा के डाल दिया है बहुत सारा कैल्शियम रागी के साथ। ये देखिए अंदर से ग्यूई एंड च्यूई और बाहर से क्रिस्प रागी डबल चॉकलेट कुकीज़ आपकी बनकर तैयार हैं। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी, क्विक रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आई विल लव इफ़ यू कम बैक हेयर। आई विल बी शेयरिंग सो मैनी मोर सच हेल्दी एंड क्विक एंड गुड रेसिपीज़ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।